हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अभी बहुत अच्छी हूँ। आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किए, क्यों क्या हुआ था मेरे लाइफ में, लाइफ अपडेट देने वाली हूँ और वेट लॉस अपडेट भी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चल रहा है, वेट लॉस कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कितना वेट लॉस हुआ है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने नहा लिया है, एक्चुअली हेयर वॉश किया है, इसीलिए बहुत लेट हो गया है। अभी हेयर वॉश मतलब हेयर केयर प्रॉपर कर लूँगी, स्किन केयर प्रॉपर कर लूँगी, उसके बाद बस स्किन केयर करना है और कुछ नहीं। मेकअप तो घर पे करती नहीं हूँ, बस टोनर अप्लाई करती हूँ, एक डे क्रीम अप्लाई करती हूँ, जो ग्रीन टी डे क्रीम होती है मामाद की, वो अप्लाई करती हूँ, ग्रीन टी टोनर अप्लाई करती हूँ मामाद का ही। और उसके बाद अभी रिसेंटली ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यही मैं अप्लाई कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं, बस यही है, स्किन केयर कर लिया, हेयर केयर कर लिया, अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? सो गाइज, गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती हूँ, गुड आफ्टरनून, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 2 बज गया है। तो अभी मैंने नहाया है और नहाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, आपको क्या बताओ। 2 दिन से ऑयलिंग करके रखी थी सिर पे, बट नहाने का मतलब क्या बोलते हैं, सिर धोने का टाइम नहीं मिल रहा था, नहाने का टाइम बोल रही हूँ, सिर धोने का टाइम नहीं मिल रहा था। नहा भी रही थी ना तो मैं 8-8 बजे रात में नहा रही थी, शाम को 8-8 बजे नहा रही थी। आप सोचो कि कितना ज़्यादा बिजी थी, और बिजी क्यों होती वो भी आपको बता दूँ, क्योंकि अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी, 4-5 दिन हो गए। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया भी था कि अद्विक की तबीयत ठीक नहीं है, बट उसकी तबीयत बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आ गया कल परसों कि हम लोगों ने उसका ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट में वैसे भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं निकला है, मतलब वायरल फीवर है, बट हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग दोनों भी, क्योंकि रात रात भर हम लोग जाग रहे थे उसके सिर पे पट्टियाँ रखने के लिए, इतना टेंशन आ गया था। कभी वो जागते थे, कभी मैं जागती थी, इसकी वजह से मेरा भी मतलब मुझे भी फीवर चढ़ गया था। मुझे भी ऐसा हो रहा था कि यार मुझे भी जुकाम हो रहा है, एक दिन तो मुझे जुकाम हुआ, 2 दिन जुकाम हुआ, 1 दिन फीवर चढ़ गया। तो मैंने अपने ऊपर तो ध्यान दिया नहीं, बच्चों के ऊपर जब ध्यान देते हैं ना तो अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं हम लोग, तो अद्विक के ऊपर ही ध्यान देना जरूरी था। टचवुड माही सब कुछ अच्छा है, माही का ठीक है, माही डेली स्कूल जा रही है, अद्विक तो 5-6 दिनों से स्कूल भी नहीं गया है। जब हम लोग अकोट से आए उसके बाद 1 दिन स्कूल गया, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, उसके बाद वो घर पे आया ना तो मतलब मुझे लेने के लिए जाना पड़ा था, वहाँ पे स्कूल में जाना पड़ा था, उन लोगों का कॉल आया था कि इसको फीवर चढ़ गया है और आप लोग लेके चले जाओ। तो मैं वहाँ पर गई और उसे लेके आई, तब से उसे फीवर था और अभी तक मतलब कल रात को सिर्फ उससे फीवर नहीं चढ़ा, मतलब आज वो थोड़ा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलवाती हूँ उससे, बट इतने दिनों से हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में थे, इसी टेंशन में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और वो जो ब्लॉग पहले का बना हुआ था वो मैंने अपलोड कर दिया था, बट बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाना हुआ मेरा, और आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी देना नहीं हुआ। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी बट मतलब ऐसे वो होता है ना दिल से अंदर से यार क्या रिप्लाई करूँ, मतलब अंदर से मैं खुश नहीं थी ना, तो इसकी वजह से मुझे रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा था। अभी मैं आज आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी जो लास्ट ब्लॉग के कमेंट थे, बट लेकिन अभी आपको अपडेट दे देना मुझे सही लगा, कि मुझे लगा कि आपको अपडेट दे देती हूँ, थोड़ा सा अद्विक को बेटर लग रहा है तो इसी वजह से, और मुझे भी थोड़ा अभी बेटर लग रहा है। मैंने 2 दिन पहले मतलब ऑयलिंग करके रखी थी, तब से मैंने ऑयलिंग कर ही रखी थी, हेयर वॉश करने का टाइम नहीं मिल रहा था, आज मैंने अच्छे से हेयर वॉश किया, हेयर केयर किया प्रॉपर, इतना ठंडा लग रहा है मैं आपको क्या बताऊँ। सिर मेरा इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, टेंशन की वजह से मेरे बाल भी जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने ना ऑयलिंग की थी उस दिन, तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे और सब कुछ ठीक है। और आप लोग वेट लॉस अपडेट मांग रहे थे, तो वेट लॉस अपडेट मैं थोड़ी देर में देती हूँ आपको, क्योंकि मेरा अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना खाने का टाइम हो गया है, 2 बज गया है, मतलब 1:30 बजे 2 बजे 1 बजे ऐसे मैं खा लेती हूँ खाना, तो मैं जल्दी से बनाती हूँ, चलिए किचन में जाते हैं, जल्दी से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आज नहाना लेट हुआ तो पूजा भी लेट हुई, तो वैसे पूजा सुबह ही हो गई थी, इन्होंने पूजा कर ली थी सुबह, ये पूजा करके ही ड्यूटी गए थे, बट अभी हाथ जोड़ना था भगवान को और प्रे करना था कि जल्दी से अद्विक को ठीक कर दे भगवान। तो यहाँ पर मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ, अगरबत्ती का नाम है रामलीला, बहुत ज़्यादा अच्छी है अगरबत्ती, आपको क्या बताओ, मतलब इसकी खुशबू ना इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी पसंद आती है मुझे कि ये अगरबत्ती लगाने के बाद इतना मतलब घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगता है अगरबत्ती लगाने के बाद। इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इससे पहले पता नहीं कौन सी लाई थी उसकी भी खुशबू अच्छी थी, बट ये ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है मुझे, रामलीला करके नाम है, तो मैंने अभी नाम देखा था जब मैं पूजा कर रही थी तब। बस
ये ज्वार की रोटी बना ली है अपने लिए। अभी ठेचा बनाने वाली हूँ जो हरी मिर्च का होता है। और ज्वार की रोटी आज बहुत बड़ी मतलब मोटी मोटी हो गई। एक ही रोटी बनाई मैंने, पतली पतली दो रोटियाँ नहीं बनाई। कभी दो रोटियाँ खाती हूँ, कभी कभी पतली एक ही रोटी खा लेती हूँ। बस आज भूख बहुत ज़्यादा लगी थी ना, तो इसी वजह से एक ही बड़ी सी रोटी बना ली मैंने और अभी सेक रही हूँ उससे ही। और हाँ, जो ग्रीन चिली होती है ना, उसका ये ठेचा बना रही हूँ। हमारे महाराष्ट्र में फेमस है यहाँ। इसमें मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, धनिया पत्ता ऐड किया है, ग्रीन चिली ऐड की है और जीरा आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अभी के टाइम पे, और नहीं तो फिर लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है और बस इसको कूट लेना है और हो गया ठेचा रेडी। उसके बाद आपको उसको तड़का लगाना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको तड़का भी लगाना है। तो बस यहाँ पर मैं पहले रोटी सेक लूँ, ये ज्वार की रोटी, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी बन गई है, बट बहुत भूख लगी है मुझे, खा लेती हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि कंट्रोल अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो गया है। क्योंकि मेरा जो लंच होता है वो वैसे 1 बजे 1.30 बजे 2 बजे तक मैक्सिमम, बट आज बहुत लेट हो गया है, मतलब 2:30 पौने 3 बज गए, तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए जल्दी से मैं लंच कर लेती हूँ अपना, और लंच में क्या क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। अभी जल्दी से सेकना भी नहीं हो रहा है यार ये ज्वार की रोटी। कैसा है ज्वार की रोटी? अभी आप सोचोगे कि ज्वार की रोटी कैसी बनाई है, तो मैं बेल के बनाती हूँ ज्वार की रोटी। पहले आटा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, उससे अच्छे से गर्म पानी से गूंद लेती हूँ और फिर बेल लेती हूँ उसे। हाथ पे नहीं बनाना आता है मुझे ज्वार की रोटी, इसीलिए मैं बेल लेती हूँ। बेल के बहुत अच्छे से पतली बन जाती है। आज मैंने रोटी जाड़ी बनाई और मोटी मोटी सी बनाई, बट वैसे पतली बन जाती है। मतलब दो रोटियां बनाती हूँ तो आज एक ही बनाई। अभी तेल डाला है मैंने 1 चम्मच, उसमें जीरा डाला है और ये जो मैंने ये कूट लिया था ये अभी ठेचा मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से भून लूँगी इसे और फिर ये खाने के लिए ले लूँगी। अभी इसे अच्छे से भूनने के बाद फिर ये आप ले सकते हो खाने के लिए, इसे आप एज अ सब्जी खा सकते हो। हमारे साइड में ये भाकर और ठेचा फेमस है, तो आप ऐसे बना के खा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसमें आप ऑयल तो ऑलरेडी डाला होता है, इसमें आप ऊपर से नमक डाल दो, नींबू निचोड़ लो और ये हो गया अभी मेरा लंच रेडी। तो भाकर है मतलब ज्वार की रोटी है, ठेचा है, कांदा यानी कि प्याज है और नींबू मैंने ले लिया है और उसके साथ ये लो फैट कर्ड लिया है जो अमूल का है मस्ती कर्ड, और उसमें मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है, चीनी ऐड नहीं की है। अद्विक के लिए देखो फ्राइड राइस बनाया था, थोड़ा सा उसे खाने के लिए दिया तो इतना सा खाया उसने, बस यहाँ तक इतना सा खाया। और ये अभी मैं रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद यही खा लेगा वो दोबारा से। उसको ऐसे खाने का मन तो कर रहा है अभी, नहीं तो 2 दिन से तो उसका खाने का मन भी नहीं कर रहा था। वैसे अभी खाने के लिए मांग रहा है बट इतना सा 1-2 निवाले खा रहा है, बस 1-2 स्पून अभी इसके खाए उसने फ्राइड राइस के और बस हो गया बोल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी पहले तो 1 दिन तो उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, दिन भर वो ऐसे ही भूखा था। हम लोग दवाइयाँ पे दवाइयाँ दे रहे थे उसको और वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। जब खाना नहीं खाते हैं बच्चे तो दवाई कैसे लगेगी, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है उसे, मैं आपसे मिलवाती हूँ उसे। तो बुखार तो नहीं है? नहीं। बात करो सबसे, बताओ सबको क्या हुआ था आपको, बताओ सबको। और वो फ्राइड राइस क्यों नहीं खाया? सॉरी, बताओ सबको क्या हुआ था आपको, कैसे कैसे आपने भूख नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, और बुखार था, और क्या हुआ था, सिर दर्द कर रहा था और खुजली हो रही थी। अद्विक के हाथों पे ना पता नहीं क्यों ऐसे हाथों पे पूरे बॉडी पे ऐसे रेड रेड निशान है, मतलब ऐसे खुजाने जैसे, तो ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है। तो हमें लगा था कुछ अलग से निशान है और ये जैसे गोर जैसा, नहीं गोर नहीं है लेकिन वो ऐसे खुजा रहा है उसे, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं रेड रेड सा हो रहा है तो पूरे बॉडी पे था। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, कल तो ज्यादा ही था, है ना? अभी डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन वायरल ने बोले तो कोई बात नहीं, बोले होता है। तो ऐसे करके अद्विक को भी फीवर नहीं है, इतने दिनों के बाद आज अद्विक को फीवर नहीं लग रहा है देखो, नहीं तो बाप रे पट्टियां रख रख के मैं परेशान हो गई थी, रात रात भर जागना। और बताओ ना क्या क्या किया, बताओ ना। इधर 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 देख के
दिन भर अजीत का ख्याल रखा, सर पे पट्टियां रखी और पापा ने भी रखी और रात भर जागे हम लोग, है ना। तो अभी अद्विक थोड़ा ठीक है और अभी ऐसे ही ठीक होने वाला है अद्विक, लेकिन अद्विक सुकड़ा हो गया है पूरा का पूरा। अद्विक होली के लिए तैयार नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अद्विक होली तक ठीक होने वाला है और अद्विक होली खेलने वाला है जल्दी से, है ना अद्विक। इसीलिए अद्विक को खाना पड़ेगा अभी, पता है क्या आपको? हाँ नहीं, लेकिन अभी टाइम है अद्विक होली को, अभी उस टाइम तक आप अपनी तबीयत ठीक करो, अभी खाओ मस्त। और ये जो सुकड़ा हो गया है ना अद्विक, अभी अच्छे से हो जाएगा और अभी मोटा हो जाएगा अद्विक कुछ दिनों के बाद जल्दी से, है ना। मोटू मोटू जैसे फर्स्ट बर्थडे पे था, मोटू मोटू हाँ वो झूले पे बैठा हुआ फोटो देखा था आपने अद्विक का, वो भी मोटू मोटू था ना अद्विक, हाँ तो वो वैसा बनने वाला है अद्विक जल्दी से अभी, है ना। तो चलो फिर, चलो आराम करो। हाँ अभी कर ही रहे हो, चलो फिर देख रहे हो, ठीक है ना। कौन से? वो छोटे वाले। अच्छा उसको ना वो बासमती राइस नहीं चाहिए, वो बोले काली मूछ या कौन से, हाँ काली मूछ वाले छोटे छोटे राइस लगाओ बोल रहा है। अभी वो मैं लगा के देती हूँ उसके, दाल चावल और मतलब दाल चावल खाएगा वो। गाइज आप लोग वेट लॉस अपडेट मांग रहे थे, तो वेट लॉस अपडेट आपको दे देती हूँ, क्योंकि अभी अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे भी थोड़ा सा चल रहा था। अकोट से जब से आई ना तब से मेरा बिल्कुल भी जिम जाने का मतलब हो ही नहीं रहा है, जिम जाना नहीं हो रहा है और ना तो घर पे एक्सरसाइज हो रही है। घर पे एक्सरसाइज का क्या, मैं तो टेंशन में इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी नहीं, हाथ पैर नहीं हिलते हैं अपने, हमारे जब हम लोग टेंशन में रहते हैं और ऐसे पेन टाइप में हमेशा होता रहता है कि हाथ पैरों में कि यार टेंशन में है और कब ठीक होगा आदमी की वो, उसकी वजह से। और प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रही थी, मतलब डाइट मींस कैसा हो रहा था कि टाइम चेंज हो रहा था। वैसे मेरा टाइम मैंने रखा हुआ है, जैसे मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे करती हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा 10 बजे तक हो जाता है, मतलब लेट होता है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट क्योंकि सुबह जिम जाती हूँ इसीलिए, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट होता है। और उसके बाद मेरा जो लंच है वो 1 या 2 बजे तक मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं इवनिंग स्नैक में लेती हूँ, मतलब जैसे कि अपना 4-5 बजे तक मैं इवनिंग स्नैक ले लेती हूँ अपना, 7 तक मेरा जो है डिनर हो जाता है। तो ऐसे मैंने टाइम रखा हुआ है, बट ये टाइम पूरा का पूरा गलत हो गया था अभी, बिल्कुल भी टाइम पर खाना नहीं था ना, तो फिर अच्छे से मतलब जो भी खाना मिल रहा था मैं खा ले रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये चिक्स वगैरह ऊपर आए हुए दिख रहे हैं। और मम्मी के यहाँ पे गई थी तो वहाँ पर भी जैसे प्रोग्राम थे, दो प्रोग्राम थे, या घर पे आई थी तो घर पे भी थोड़ा सा इधर उधर का खाना हुआ, भाभी ने बुलाया था वहाँ पर भी ऐसे फ्राइड या मीठा ये सारी चीज़ें खाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट कर रही हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो खा भी लेती हूँ, बट घर पे आती हूँ तो अपना स्ट्रिक्ट करती हूँ एकदम से। और जो भी मैं खाती हूँ या क्या करती हूँ मतलब दिन भर में, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने ज्वार की रोटी बनाई और उसके साथ मैंने ठेचा लिया और दही लिया, दही तो मेरा डेली का ही होता है, कर्ड जो है वो लो फैट वाला कर्ड होता है, वो वाला कर्ड नहीं होता है जो नॉर्मल डेयरी में मिलता है वो। और वैसे आप दही गाय के दूध का बना सकते हो घर पे भी, बट अगर आपको नहीं बनाना है तो ये वाला लो फैट दही ले सकते हो आप। थोड़ा सा आप कंट्रोल करोगे ना, जैसे ऑयल में कंट्रोल करोगे आप, रोटी के बदले आप थोड़े से चेंजेस अगर आप करोगे ना लाइफ में, तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। जैसे आप फैट वाले दही से आप रिप्लेस करो अपने लो फैट दही में, और उसके बाद जैसे आप रोटी खाते हो तो रोटी को रिप्लेस करो आप ज्वार की रोटी में, बाजरे की रोटी में। बाजरे की रोटी तो अभी थोड़ी सी गर्म करती है, बट अगर आपको सूट होती है तो आप वो भी खा सकते हो। अभी मैंने ज्वार की रोटी खाना स्टार्ट किया है, ठंड में मैंने बाजरे की रोटी भी खाई, अभी मैंने ज्वार की रोटी खाना स्टार्ट किया है। तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो अपने खाने को, और अपने ऑयल को रिप्लेस कर सकते हो घी से। अभी मैंने आज ऑयल लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था, मतलब क्या बोलते हैं ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट वाला नहीं कर रही हूँ जैसे आपको बताया अभी, तो कभी चटपटा खाने का मन किया तो कर लेती हूँ। जैसे अभी मैंने ठेचा लिया उसको, उसमें ऑयल को, ऑयल में मैंने 1-2 चम्मच ऑयल में मैंने वो किया, तो वैसे कर सकते हो आप। तो पनीर पराठा बना के मैंने खाया, पनीर पराठा भी बना के खाती हूँ मैं। जैसे लंच में पनीर लिया, पनीर को वो क्या बोलते हैं मैश किया उसमें ज्वार के आटे में, और ज्वार का आटा थोड़ा सा वो होता है ना मतलब जल्दी
खुल जाता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैं उसमें गेहूं का आटा डालती हूँ बाइंडिंग के लिए, और अच्छे से उसको मिक्स कर लेती हूँ, और सारे मसाले उसमें डाल देती हूँ, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, ये सारे सारे नमक वगैरह सारे मसाले उसमें डाल के पराठा बना लेती हूँ। घी थोड़ा सा ऊपर से डाल के अपना वो पराठा मैं दही के साथ खाती हूँ, तो ये और सैलेड उसके साथ ले लेती हूँ, तो ये मेरा लंच रहता है। डिनर में मैं कभी कभी मसाला ओट्स लेती हूँ, कभी मैं क्या बोलते हैं मीठे ओट्स लेती हूँ, तो कभी मैं बेसन का चीला खाती हूँ, तो मतलब लाइट वाला दलिया वगैरह खा लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं 7 बजे तक मेरा डिनर कर लेती हूँ। इवनिंग स्नैक में अपना पपैया हो गया है, अभी तो पपैया थोड़ा सा गर्म करेगा, मैंने अभी तक पपैया ही खाया, ऑनेस्टली बताती हूँ, अभी तक पपाया पाइनएप्पल ये दोनों ही खाए, और उसके बाद मैंने अभी लेना स्टार्ट किया है मस्क मेलन, जो अपना क्या बोलते हैं उसे खरबूजा होता है ना वो, तो खरबूजा टरबूजा आप खा सकते हो, ये सारी चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि खरबूजे में ना बहुत कम कैलोरीज होती है, तो ये आप ले सकते हो। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक के लिए एग्स ऐड कर दो, एग नहीं होता है आपसे तो आप बेसन का चीला ऐड कर दो, पनीर ऐड कर दो, कच्चा पनीर खा लो, मतलब सॉटे करके पनीर खा लो, या ग्रीन चटनी के साथ पनीर खाओ, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसे खाओ कि जिससे आपको प्रोटीन इंटेक मिले, प्रोटीन आपका सही से रहे। आप प्रोटीन ले सकते हो ऊपर से, तो आप प्रोटीन ले सकते हो, मतलब लेना चाहते हो तो प्रोटीन भी ले सकते हो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की। मैंने इस बार प्रोटीन नहीं लिया, मैंने अपने से ही मतलब जो प्रोटीन का प्रोटीन की जो सोर्स है, जैसे कि चना है, ये काला चना हो गया, राजमा हो गया, और क्या बोलते हैं एग्स हो गए, एग्स भी खाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत इजी होता है बनाना, एक ऑमलेट बना लो या बॉयल एग खा लो, बॉयल एग ही खाती हूँ मैं ज़्यादातर, उस पर काली मिर्च और थोड़ा सा जो रॉक सॉल्ट बोल रही हूँ अपना हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो डाल देती हूँ, और बस उसे ही खा लेती हूँ। तो वाइट एग खाती हूँ, 1 whole egg खाती हूँ और 3 white egg खाती हूँ, ऐसे 4 eggs खा लेती हूँ मैं ज़्यादा, मतलब येलो एग नहीं खाती हूँ ज़्यादा। तो ऐसे करके मेरा जो डाइट प्लान है वो है, मतलब पूरा अलग अलग है, मैं आपके साथ प्रॉपर डाइट प्लान शेयर करूँगी, ये तो मैंने अभी बताने के लिए बताया है, बट आप लोग मांग रहे थे इसी वजह से मैंने तुरंत बता दिया। मैंने सोचा कि चलो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर डाइट प्लान बनाने के लिए गई ना तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसी वजह से आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो इंस्टा पे भी आके आप पूछ रहे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अब मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अद्वी के इसमें, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, या वेट लॉस अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, या वेट लॉस के लिए कुछ आपको बता नहीं पा रही हूँ। और एक्सरसाइज करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज का मेरा रूटीन है, सुबह मैं मॉर्निंग में 2-3 घंटा आराम से एक्सरसाइज करती हूँ, ब्रेकफास्ट बोल रही थी अभी, आराम से एक्सरसाइज करती हूँ, और अभी तो वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे नहीं करूँगी, आगे करूँगी और वेट लॉस अपडेट दूँगी। बहुत अच्छा सा वेट लॉस हुआ है मेरा, 10 kg तक वेट लॉस तो हो ही गया है मेरा, वो भी 1.5 महीने में, तो आप 1.5 month बोल सकते हो, बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ है और आपको दिख भी रहा है वो वेट लॉस। अभी मुझे मैंने घर का जो नॉर्मल खाना है वो स्टार्ट किया था, और अभी मैं उधर भी गई थी, तो उससे वजह से मेरा थोड़ा सा ऐसे गाल ऊपर ऊपर लग रहा है, वो जल्दी से चले जाएंगे अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है ना उससे, इसी वजह से, तो वो जल्दी से चले जाएंगे अंदर। मेरा 10-15 दिन हो गए हैं आराम से मैंने एक्सरसाइज नहीं की है बिल्कुल भी, तो इसी वजह से हो ही जाता है वो। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपके गाल अच्छे से अंदर चले जाते हैं, और आप एक्सरसाइज बंद कर देते हो तो थोड़ा सा गाल ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, बट जल्दी से मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी तब अपने आप ठीक हो जाएगा वो। तो ये था वेट लॉस अपडेट गाइज, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी इस वीडियो से तो चलो लाइक जल्दी से कर दो, और अगर आपको ऐसे ही वेट लॉस वीडियो चाहिए आगे, और प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए जो मैं ले रही हूँ अभी, मतलब स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 मैं जो भी खाती हूँ उसका अपडेट चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट के जरिए चाहिए तो आप शॉर्ट के जरिए आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको इसके जरिए चाहिए क्या बोलते हैं पूरा ब्लॉग में चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अभी इस ब्लॉग को यही पेंट करने का टाइम आ गया है, चलिए बाय बाय।